कहानी स्टार्ट होती है बूडापेस्ट में और होटल एस्टोरिया में हम एजेंट अग्नि को देखते हैं जो कि इंटरनेशनल टास्क फोर्स ऑफिसर है और उसे एक रेडियो में इंस्ट्रक्शंस आता है कि उसे जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना है एंड इट्स टाइम फॉर एक्शन। एजेंट अग्नि को ड्रैगन फ्लाई कहकर उसके चीफ रिंग मास्टर बुलाते हैं और बताते हैं कि उनके पास अंदर जाने के बाद सिर्फ 3 मिनट होगा। असली में इंटरनेशनल टास्क फोर्स मिलकर बूडापेस्ट में चल रहे आर्म्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट के बारे में डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं। अग्नि एक और एजेंट सीगल के साथ उस जगह पर पहुंचती है और रेड फ्लेयर फेंकते हुए सामने खड़े सारे गार्ड से लड़ती है और चीफ रिंग मास्टर अग्नि के सारे मूव्स को मॉनिटर करता है, पर अग्नि के साथ जो एजेंट आता है वो मारा जाता है और रिंग मास्टर एजेंट को कहता है वहां से निकलने और मिशन अबॉर्ट करने। पर अग्नि अंदर जाती है और एक हैकर के मुंह से एक फ्लैश ड्राइव निकाल लेती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसने वाली उन सारी लड़कियों को बचा लेती है। अग्नि अपने अपार्टमेंट में आती है घायल होकर और अपने जख्मों को स्टेपल करती है। फिर अग्नि अगले दिन जब सोकर उठती है तो वह अपने एक बचपन के मेमोरी को याद करके डर जाती है। अग्नि के पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था। एजेंट अग्नि एक स्ट्रिपर क्लब में जाती है और ड्रिंक करती है और एक लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है और उसका ध्यान भटकाकर अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और फिर उसी मेमोरीज के बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसके पेरेंट्स को किसने मारा है। अग्नि एक चर्च जाती है जहां वो अपने चीफ रिंग मास्टर से मिलती है और रिंग मास्टर बताता है कि फ्लैश ड्राइव से इंफॉर्मेशन डिकोड हो गया है और जैसा कि मैंने बताया ITF यूरोप में फैले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ खड़े हैं और फिर से वो सभी ट्रैप में ना फंसे, इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलेगा वो सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहेगा। और चीफ अग्नि को रुद्रवीर के बारे में बताता है जो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मास्टर माइंड है, जो 10 साल पहले ऑलमोस्ट उनके हाथ आ गया था पर तब से वो गायब है। और रोहिणी के बारे में बताता है जो रुद्रवीर के बिजनेस को संभालती है और इन दोनों को ढूंढने अग्नि को इंडिया जाना होगा, पर अग्नि नहीं जाना चाहती क्योंकि उसकी मजबूरी है। पर रिंग मास्टर अग्नि को समझाता है कि तुम्हें जाना तो होगा क्योंकि इन लड़कियों को तुम्हारी जरूरत है और अग्नि को याद दिलाता है कि तुम सिर्फ इन पर नजर रखने जा रही हो, कुछ और मत करना। फिर कहानी शिफ्ट होती है भोपाल में जहां अग्नि को देखकर बस स्टैंड में खड़े कुछ लड़के उसके सामान को चोरी करने की कोशिश करते हैं पर अग्नि उन्हें सबक सिखाती है। फिर एजेंट फजल अग्नि को लेने आता है जो उसे अपने घर लेकर आता है और अग्नि फजल से रुद्रवीर के बारे में पूछती है और हम 25 साल पहले के फ्लैशबैक में जाते हैं और सोहागपुर कोल फील्ड को देखते हैं जहां रुद्रवीर और उसके दोस्त मिलकर कोयला चुराते थे, पर जब वो पकड़ा जाता है तो रुद्रवीर उस आदमी को मार देता है और रुद्रवीर रोहिणी से मिलने जाता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। फिर रोहिणी रुद्रवीर की पार्टनर बन गई और दोनों ने बच्चों की फौज खड़ी कर दी और इनका हर जगह आतंक था और ये लोग जवान लड़कियों को बेचते थे। पर कोई था जो रुद्रवीर से भी बड़ा था, इसका नाम था शमशेर, जिसके लिए रुद्रवीर काम करता था। पर रुद्रवीर को आगे निकलने में ज्यादा देर नहीं लगी, पर रुद्रवीर शमशेर को मारता नहीं है, उसे जिंदा लाश बनाकर छोड़ देता है। अब रुद्रवीर और रोहिणी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और लोगों को मारना जैसे इनका डेली का काम था, इसीलिए लोग रुद्रवीर को इंसान नहीं मानते थे और इस तरीके से रुद्रवीर का एम्पायर खड़ा हुआ। अब यही कहानी बताते वक्त फजल की बेटी जायरा वहां आती है जो खुद को अग्नि से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि मेरा नाम जायरा है और अग्नि बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए जायरा को अपना नाम अग्नि बताती है और अग्नि रोहिणी के बॉडीगार्ड खालिद के बारे में पूछती है और फजल बताता है कि उसे जुआ खेलना बहुत पसंद है। अग्नि एक फोटोग्राफर बनकर पहुंचती है खालिद के पास जो कुश्ती वाले प्लेयर्स में अपना पैसा लगाता है और अग्नि खालिद वाले प्लेयर को जिताने के लिए अपने घड़ी से एक सुई जैसा चीज निकालती है जो कि उस प्लेयर के गर्दन में जा लगता है और उस प्लेयर में जैसे एक नया एनर्जी आ जाता है और वो मैच आराम से जीत जाता है। और अग्नि खालिद से फ्लर्ट करती है और उसका फोन मांगती है और अपने घड़ी से उसका फोन स्कैन कर लेती है और उसके फोन से सारा इन्फॉर्मेशन चला जाता है चीफ रिंग मास्टर के पास जो भी अपना बेस अब भोपाल में बना चुका है। अग्नि को खालिद के फोन से एक फैशन डिजाइनर अमीना का नाम मिलता है जो कि लखनऊ में रहती है और वो रोहिणी के लिए एक ड्रेस बनाने वाली है जिसके लिए वो उसकी मेजरमेंट्स लेने वाली है। इसके बाद अमीना रोहिणी से मिलने आती है और रोहिणी बताती है कि उसे अमीना का डिजाइन बहुत पसंद है, पर ये अमीना नहीं है, ये अग्नि है। अग्नि के स्कार्फ में एक क्लिप होता है जो असली में एक ड्रोन है जिसमें एक छोटा कैमरा लगा हुआ है
जिसको फजल ऑपरेट करता है और अंदर की वीडियो बना लेता है। और अग्नि रोहिणी का मेजरमेंट्स लेती है पर वो ड्रोन गिर जाता है। फिर पानी मांगने के बहाने अग्नि रोहिणी को बाहर भेजती है और वो क्लिप वाला ड्रोन उठा लेती है। और बाहर आकर अग्नि अपना नकली मेकअप उतारती है। और घर में जब फजल नहीं होता तो अग्नि जायरा के साथ खेलते हुए थोड़ा वक्त बिताती है। और अग्नि को उसके पापा की याद आ जाती है, उस दिन की जब वो अपने पापा के साथ खेला करती थी और उस दिन उसके पापा को मार दिया गया था। रात में जायरा सोने के लिए अग्नि को लोरी गाने के लिए बोलती है और अग्नि एक ही लोरी जानती है जो वो गाती है। अगले दिन अग्नि उस ड्रोन से रिकॉर्डिंग चेक करती है और एक क्लू मिलता है, बटर फैक्ट्री, जहां रोहिणी जाने वाली है। तब बटर फैक्ट्री बूडापेस्ट में रोहिणी अमीना वाले ड्रेस पहनकर आती है एक मीटिंग के लिए, जिसपे अमीना और रिंग मास्टर नजर रखते हैं। और रोहिणी के ड्रेस में एक बटन होता है जो असली में एक कैमरा है। और रोहिणी एक शेख से मिलने आती है और शेख उनके बिजनेस में लॉस होने से खुश नहीं है, पर रोहिणी उसे एक और कंसाइनमेंट के बारे में बताती है जिससे उनका बहुत फायदा होने वाला है। ये बात सुनकर शेख खुश होता है और रोहिणी को पैसे ट्रांसफर करने को मान जाता है, जिसके बाद इंडिया से बहुत से लड़कियों को बेचने के लिए उठा लिया जाता है। और यही था सेकंड कंसाइनमेंट। फजल अग्नि को बताता है कि रोहिणी उन लड़कियों को लेकर खान में जा रही है जहां रुद्रवीर भी हो सकता है, और अग्नि ये चांस छोड़ नहीं सकती। पर फजल थोड़ा डरता है और अग्नि उसे जायरा को लेकर यहां से चले जाने को बोलती है, पर फजल अपनी मजबूरी बताता है कि वो यहां से भाग नहीं सकता, नहीं तो इंडियन एजेंसी उसे जेल में डाल देगी जहां वो पहले था, और उसके बाद जायरा का क्या होगा। पर अग्नि कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। फिर कुछ नई लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए रोहिणी के यहाँ लाया जाता है और उन लड़कियों के बीच अग्नि भी होती है। और रात में अग्नि रोहिणी को बात करते हुए सुनती है जहाँ वो रुद्रवीर की आवाज़ भी सुनती है। और तभी अग्नि के सामने खालिद आता है जो अग्नि को पहचान लेता है, पर अग्नि उसे मार देती है। अग्नि गायब है और खालिद भी मर चुका है, इसलिए रोहिणी उन लड़कियों को टॉर्चर करती है और पूछती है कि वो लड़की कहाँ से आई थी। और एक लड़की बताती है कि बिरजू उस लड़की को यहाँ लाया था, और बिरजू वही लड़का है जो अग्नि को बस स्टैंड में लूटने की कोशिश कर रहा था। रोहिणी के लोग बिरजू और उसके साथियों को मार देते हैं और बिरजू के जरिए रोहिणी फजल और जायरा तक पहुंच जाती है। अब मिशन कंप्लीट हो चुका है। अग्नि ने रुद्रवीर और रोहिणी को ढूंढ लिया है और अग्नि रिंग मास्टर को बता देती है कि वो खान में रुद्रवीर को देखी थी। फिर चीफ रिंग मास्टर अग्नि को एक्सट्रैक्शन को लीड करने को बोलता है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी उन लड़कियों को बचाने के लिए। रुद्रवीर अपने फौज यानी जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं उन्हें ब्रेन वॉश करता है और जो भी उनसे उनके हक को छीनने की कोशिश करता है उन्हें मार देने को बोलता है और कहता है ये कोयला हमारा है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। इंटरनेशनल टास्क फोर्स की टीम सोहागपुर कोल फील्ड में जाने के लिए तैयार है और उनका प्लान है कि वो इस मिशन को ज्यादा खींचेंगे नहीं, मैक्सिमम 45 मिनट्स में वो सभी बाहर आ जाएंगे। ITF की टीम कोलर फील्ड में एंटर करती है, पर एंटर करते ही उनके गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया जाता है। और अग्नि बैकअप और सपोर्ट के लिए रिंग मास्टर को बोलती है, पर कॉम्स काम ही नहीं कर रहा और ना ही कैमरा काम कर रहा है। अग्नि और पूरी ITF की फोर्स मिलकर रुद्रवीर की फौज पर शूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और रुद्रवीर के फौज के कई लोगों को मार गिराते हैं, पर रुद्रवीर कुछ लोगों पे हमला करता है और अग्नि ये देखकर गुस्से में लड़ने लगती है और नॉन स्टॉप फायरिंग करती है, किसी को पटकती है और एक का तो आंख भी फोड़ डालती है। पर इस सब में अग्नि भी बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाती है। तब रुद्रवीर अग्नि के सामने आता है और वही सेम लोरी गाता है जो उस वक्त अग्नि जायरा को गाके सुनाई थी। और एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि अग्नि के पेरेंट्स को किसी और ने नहीं बल्कि रुद्रवीर ने ही मारा था, और छोटी अग्नि के सामने रुद्रवीर वही लोरी गाता है और यहाँ वो अग्नि को गोली मार देता है। चीफ रिंग मास्टर पे इंक्वायरी बैठता है क्योंकि ITF के 18 लोग मारे गए हैं और रिंग मास्टर के यूनिट को बैन कर दिया जाता है। और एक फाइल में देखते हैं कि अग्नि मर चुकी है। फिर एक फ्लैशबैक में जाते हैं जब रिंग मास्टर को छोटी अग्नि मिलती है जो वही लोरी गा रही होती है, और रिंग मास्टर अग्नि को खुद बड़ा करता है क्योंकि वो जानते हैं कि अग्नि अब शांत बैठने वाली नहीं है, इसीलिए वो अग्नि को ट्रेन करने लगता है। अग्नि के वजह से रुद्रवीर और रोहिणी को बहुत नुकसान हुआ है, पर देखते हैं कि अग्नि जिंदा है गोली खाने के बाद भी, एक रेयर मेडिकल कंडीशन के वजह से। और चीफ रिंग मास्टर अग्नि का इलाज एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में करवा रहे हैं।
होश आने के बाद अग्नि रिंग मास्टर से पूछती है कि उसे पता था कि रुद्रवीर ने ही अग्नि के पेरेंट्स को मारा है, पर रिंग मास्टर कहता है कि वो अग्नि को बचाना चाहता था ताकि अग्नि के इमोशंस इस मिशन के आड़े ना आए, और चाहता था कि रुद्रवीर अग्नि के हाथों ही मारा जाए, और बताता है कि फजल मर चुका है और जायरा मिसिंग है, और रिवील करता है कि अग्नि के पेरेंट्स असली में इंडियन एजेंट्स थे। अब अग्नि डिपार्टमेंट के लिए मर चुकी है, और एक दिन ये दिखाई देता है कि अग्नि का ब्रेसलेट जिसमें ट्रैकर लगा है वो मूव कर रहा है, और अग्नि याद करती है कि वो ब्रेसलेट जायरा को पहना दी थी, जिसके बाद अग्नि खुद को फिर से रेडी करती है फाइट के लिए, अपने अगले मिशन के लिए, यानी जायरा को सेफली वापस लाने के लिए। अग्नि पहुंचती है रोहिणी के पास जायरा को लेने के लिए, पर देखती है वो ब्रेसलेट असली में रोहिणी पहनी हुई है। फिर जायरा को देखते हैं जो बूडापेस्ट में है और बाकी लड़कियों के साथ वही लोरी गा रही है, और रुद्रवीर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब रोहिणी ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करती है जो रोहिणी के काम नहीं आता, और अग्नि रोहिणी को शूट कर देती है। रुद्रवीर रोहिणी को कॉल करता है जो अग्नि उठाती है, और रुद्रवीर अग्नि को जायरा की आवाज सुनाता है। रुद्रवीर आखिरी बार शेख के साथ देखा गया था, इसीलिए चीफ रिंग मास्टर अग्नि को शेख से मिलने को बोलता है, जिसके बाद बूडापेस्ट में अग्नि अपने नए गेटअप में होती है और गाना गाते हुए शेख को रिझाती है और पूछती है रुद्रवीर कहाँ है, पर अग्नि को सिडेट करके बेहोश कर दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो दो लड़कियां अग्नि को टॉर्चर करती हैं, पर अग्नि उन दोनों से लड़ती है और उन्हें बांध देती है और शेख को मार देती है। रुद्रवीर जायरा को एक ईयरपीस देता है, और एक दिन अग्नि को एक बार के बाहर जायरा दिखती है जिसका वो पीछा करती है, और जायरा कहती है कि मुझे बचा लो, और ईयरपीस निकाल कर वहां से भाग जाती है, और अग्नि को रुद्रवीर मिलता है, और जायरा का पता निकालने के लिए दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होता है, और रुद्रवीर अग्नि को कहता है कि तुम भी उसी गंदी नाली से निकली हो जहां से हम निकले हैं, और अग्नि पूछती है कि रुद्रवीर ने उसके माँ बाप को क्यों मारा था, किसके कहने पर मारा था, पर रुद्रवीर मर जाता है। अगले सीन में अग्नि रेस्ट कर रही होती है और जायरा उसके सामने होती है, और रिंग मास्टर कहता है कि वो जायरा की देखभाल करेगा, और अपना कंट्रोलर के बारे में बताता है जो उनके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा था। तब जाकर अग्नि सोचने लगती है कि कौन है जो उसे कंट्रोल करता है, और शायद रुद्रवीर उसी के बारे में बात कर रहा था, और सारे मिशन में एम्बुश करने के पीछे कहीं वो कंट्रोलर ही तो नहीं है। जिसके बाद अग्नि को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और उसे रियलाइज होता है कि वो कंट्रोलर कोई और नहीं बल्कि उसका चीफ रिंग मास्टर ही है। कुछ दिन के बाद अग्नि रिंग मास्टर के केबिन में आती है, और अब अग्नि को सच पता चल चुका है कि वो हमेशा से रिंग मास्टर ही था जो सब कुछ कंट्रोल करता है, और उसी ने रुद्र से कहकर अग्नि के माँ बाप को मरवा दिया क्योंकि वो दोनों एजेंट्स थे। पर अग्नि के बड़े हो जाने के बाद वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते थे, पर चीफ को डर था कि इससे उनको खतरा हो सकता है, कोई भी उन्हें लालच देकर धमका कर उनके सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनसे उगलवा सकता है, इसीलिए अग्नि के पेरेंट्स को मारना पड़ा। अग्नि ये सुनते ही अपने चीफ को मार देती है, और घर के बाहर वो जायरा से मिलती है, और इसी के साथ धाकड़ मूवी यही एंड होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।